नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है। आप देख रहे हैं आपका बाइक गुरु यूट्यूब चैनल, जहाँ पे स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली एक ऐसी स्कूटर जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उसकी जो राइडिंग रेंज होने वाली है दोस्तों 480 to 500 किलोमीटर, और वो भी सिर्फ सिंगल चार्जिंग पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है इंडियन मार्केट में। तो बहुत सारी जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज है वो अभी अपने नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तहत हमको देखने को मिलते हैं। अभी भारत में दोस्तों क्या है ना कि इलेक्ट्रिक वाहनों की जो चार्जिंग स्टेशन है वो धीरे धीरे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। इस वजह से जो लंबी रेंज वाली स्कूटर है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अभी जितना चाहिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट में। फिलहाल में दोस्तों सिंपल एनर्जी मार्क टू और ओला की स्कूटर्स लॉन्च हो चुकी है, तो इनकी जो राइडिंग रेंज है दोस्तों वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इस स्कूटर में आपको देखने को मिलने वाली है। और जो राफ मोटर है दोस्तों जो ये स्कूटर लॉन्च करने वाली है, उनका कहना है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा राइडिंग रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है। तो दोस्तों राफ मोटर्स ने इंडक्स एनएक्स नाम से एक स्कूटर लॉन्च की है, और ये स्कूटर है दोस्तों फुल चार्ज होने पर 480 किलोमीटर्स और उसको आप काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी मोड पे चलाओगे तो 500 किलोमीटर की आपको राइडिंग रेंज दे देगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा शानदार फीचर्स के साथ भी अवेलेबल है, और इस स्कूटर के ऊपर दोस्तों आपको 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी मिल जाती है। और एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इस स्कूटर के साथ आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं। इंडियन मार्केट में अगर सक्सेस होना होगा तो आपको वैरायटीज भी उतनी पेश करनी पड़ती है, तो ये वैरायटीज दोस्तों पेश की है राफ मोटर्स ने। तो आपको ये स्कूटर 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जैसे कि एंट्री लेवल, मिड रेंज और टॉप वेरियंट। इसे 3 वेरियंट्स में ये स्कूटर हमको देखने को मिल जाती है। एंट्री लेवल मॉडल है दोस्तों, उसमें आपको 48 वॉट 65 एम्पीयर की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है। इस बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, और इस बैटरी पैक के साथ ये एंट्री लेवल स्कूटर है दोस्तों वो 165 किलोमीटर तक तो राइडिंग रेंज दे देगी। और मुंबई में अगर हम इसकी एक शोरूम देखें दोस्तों 1,18,500 के आसपास इसकी एक शोरूम आपको देखने को मिल जाती है मुंबई में। इंडक्स एनएक्स जो कि मिड रेंज में आती है, उसमें 48 वॉट 135 एम्पीयर की फिक्स बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी फीचर्स नहीं देखने को मिलता है, और इस स्कूटर को आप चार्ज करोगे दोस्तों तो ये 325 किलोमीटर से तक की आपको राइडिंग रेंज दे देगी फुल चार्ज पे। और इस वेरिएंट की दोस्तों जो प्राइस होने वाली है मुंबई में 1,91,976 रुपीज़। और जो सबसे टॉप मॉडल है दोस्तों इंडस एनएस, जो कि कंपनी दावा करती है दोस्तों इंडेक्स एनएक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है इन दोनों वेरिएंट से, और उसमें आपको ड्यूल बैटरी पैक भी देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से उसकी राइडिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी जो कुल क्षमता है दोस्तों 9.6 किलोवाट की है, और ये स्कूटर दोस्तों 480 किलोमीटर तक की आपको राइडिंग रेंज दे देगी। अगर उसको आप इकोनॉमी मोड पे चलाओगे तो आपको 500 तक की भी राइडिंग रेंज इजीली मिल जाएगी। और इसकी जो टॉप वेरियंट की प्राइस होगी दोस्तों 2,57,141 रुपीज़। तो दोस्तों इंडक्स एनएक्स में आपको ऐसे क्या फीचर देखने मिलते हैं जहाँ पे आप 3,00,000 रुपये इसको पे करने वाले हो? इसमें आपको रिवर्स गियर देखने को मिलता है, थेट अलार्म, कीलेस स्टार्ट, रिमोट लॉकिंग, स्टाइलिश डिस्क ब्रेक्स और चाइल्ड सेफ पार्किंग मोड भी आपको ये एडवांस फीचर देखने को मिल जाता है। चार्जिंग की बात करें दोस्तों तो 10 एम्पीयर की इसमें फास्ट चार्जिंग सेटअप भी आपको देखने को मिल जाता है। राफ मोटर है दोस्तों मुंबई बेस्ड कंपनी है, इसकी वजह से इसके जो आपको स्पेयर पार्ट्स है आपको महाराष्ट्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, इसके 550 डीलरशिप ओपन करने का टारगेट रखा है 2022 तक। मतलब हर जिले में आपसे इसके डीलरशिप मिलेंगे, जिससे कि आपको स्पेयर पार्ट के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों 2023 तक ये स्कूटर बाहर के देशों में हमको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा डिमांड की वजह से आपको जो इसके स्पेयर पार्ट्स है या सर्विस रिलेटेड कोई इशू नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी भी यहाँ पे कह रही है दोस्तों कि इस स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इंडियन मार्केट में, और बाहर के देशों से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। आप भी कोई दोस्तों ऐसी स्कूटर देखने वाले हो जिसकी राइडिंग रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिले और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो, तो ये स्कूटर दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपका कोई भी दोस्त भी हो दोस्तों जो ये कोई ऐसी स्कूटर देखना चाहता है जिसकी राइडिंग रेंज अच्छी हो, तो उसके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, उसको कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जो वो बाय करना चाहता है उसका वो चॉइस यहाँ पे बदल जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो यहाँ तक की अच्छी लगी होती, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप चैनल पे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही टू व्हीलर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।